तो दोस्तों आज मैं और मेरा बेटा और मेरी बेगम हम तीनों दोस्तों निकल पड़े एक नई दुनिया की सैर करने दोस्तों अपने नोएडा के अंदर ही भाई, क्योंकि आज मिसेस का बर्थडे है दोस्तों और ये सेलिब्रेशन चलती है हमारी कम से कम 3 से 4 दिन दोस्तों और उसी का ये एक हिस्सा है। और नोएडा में दोस्तों सेक्टर 104 के पास आज हम एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने आए हैं जिसका नाम है स्वर्ल। वाओ, जी हाँ स्वर्ल नाम है और लग रहा है मुझे बहुत ही खूबसूरत। और 6 फ्लोर पर है ये, तो इसका ये आउटर लुक है जहाँ से एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है जी, बहुत ही खूबसूरत है। साथ में रिसेप्शन है और ये है इसका आउटडोर एरिया दोस्तों, लेकिन बारिश की वजह से हल्की बूंदाबांदी की वजह से यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट आज अंदर है, कवर किया है उन्होंने, देखिए सारा सीटिंग कवर किया हुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरत है ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत। तो दोबारा आएंगे, ये है इनका बार एरिया, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और अगर हम यहाँ बैठ के अगर लंच करते ना तो मजा कुछ और आएगा। जी हाँ, लेकिन मौसम बारिश का मौसम है, कैसा हो रहा है मौसम, बहुत सुहाना जी, कुछ तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। तो दोस्तों आज तो वो खुशी का दिन है, तन्हाई बढ़ा दिया या घटा दिया, अब तो मिल चुके हैं भाई, तो अब तो एक साथ हैं और हमेशा इसी बात का वादा करते हैं आपके साथ रहने का। शादी की 30वीं सालगिरह भी आने वाली है और वो है दोस्तों अगस्त में, और मेरे कौन सा बर्थडे है ये मैं बताऊं? नहीं बताना है क्योंकि जनाब का, मैं तो बता दूंगी लेकिन आप नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और बेटा इस समय देख रहा है कि क्या मंगाना है ऑर्डर में जो हमको भी पसंद आए और उसको भी पसंद आए, जो हम तुमको हो पसंद वो बात करेंगे। तो दोस्तों तो ये जो पहले हम यहाँ बैठ सामने वाली टेबल हमने देखी थी, लेकिन अभी जिस पर बैठे यहाँ से ये पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने चेंज की सीट और ये देखिए कितना खूबसूरत अरेंजमेंट, अच्छा लग रहा है ना। और ऑर्डर के लिए स्टाफ आ चुका है, ऑर्डर तो अमन ही करेगा क्योंकि हमें ऑर्डर उसी की पसंद के पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों ये लुक देख रहे हैं रेस्टोरेंट की, और बहुत ही जबरदस्त लुक है और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया इन्होंने। और आप यहाँ पर अगर डिस्को का एंजॉय करना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं, तो वो सब अरेंजमेंट यहाँ पर है दोस्तों। नाइट में इसका लुक बहुत ही अलग होता है, अभी बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगा। तो हम आए हैं लंच टाइम में और अमन को जाना है इवनिंग में गुड़िया को लेकर भी, क्योंकि जिसके यहाँ पेट्स होते हैं उनको सबको मालूम होगा कि आप लोग 2 या 3 ही जा सकते हैं। तो हमारा अभी मिनरल वाटर आ चुका है दोस्तों, और अभी हम लोग मिनरल वाटर ले रहे हैं, चल रही है खूबसूरत फोटोग्राफी, और मैं शूट कर रहा हूँ बेगम साहिबा की कुछ तस्वीरें अपने कैमरे से, और जूसेस आ गए हैं हमारे जी, और जूसेस का आनंद लेंगे दोस्तों। मैंने मंगाया पाइनएप्पल और फ्रेश जूस है दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त है। और ये है बेटे ने क्या मंगाया है जो आप जरूर टेस्ट करोगी? मैं टेस्ट जरूर करूंगी सारा, ये एक मॉम का फर्ज बनता है कि जरूर बच्चे जो भी पिए उसे टेस्ट जरूर करें। तो बेटे ने मंगाया अपने लिए मोहितोस, और बेगम साहिबा हमारी उसका जरूर टेस्ट करेंगी जी, जी, जी। और हमने लिया अपना ग्लास और जूस का आनंद लेंगे दोस्तों, और ये है पाइनएप्पल, और इन पलों का एंजॉय करेंगे, इन पलों को यादगार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये रील बन रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कैसी लग रही हूँ? आप तो हमेशा की तरह खूबसूरत, लाजवाब, बेहतरीन और गजब। और ये एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट और दुगना कर रहा है इस जगह को, इस जगह को तो दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ अपने बर्थडे पर, लेकिन गुड़िया नहीं आई, मेरा दिल था क्योंकि शीरो यहाँ पर नहीं आ सकता था तो दोस्तों, आज गुड़िया ने किया है व्रत और उसका फास्ट भी है जी हाँ, तो उसके लिए हमने मंगाई हल्दीराम से थाली और शीरो के साथ रहेगी, और जब हम घर चले जाएंगे तब गुड़िया जाएगी भाई के साथ। अच्छा थोड़ा ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि टाइम लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली सभी चीजें यहाँ पर फ्रेश बनती है दोस्तों, और इसीलिए टाइम लग रहा है दोस्तों। और हम लोग अभी जूसेस ले रहे हैं अपना, और कुल मिला के दोस्तों मुझे ये जो रेस्टोरेंट है ना बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ है
बहुत ही केयरिंग है दोस्तों, और बहुत सर्विंग, जो उनकी सर्विस है बहुत अच्छी है। हाँ, टाइम लग रहा है क्योंकि फ्रेश फूड आने वाला है हमारे लिए। इसी से पता लगता है, जब भी आपका खाने में लगे वक्त तो समझ लीजिए कि खाना आपका बन रहा है जबरदस्त। कहने का मकसद यही है कि ताजा खाना, तो दोस्तों वो क्यों पता है, क्योंकि खुद बनाते हैं तो इन्हें मालूम है। टाइम लगता है दोस्तों, खाना बनाने में वक्त लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो ऑलरेडी कैटरिंग लाइन से जुड़ा भी हूँ, तो मुझे तो इन सब चीजों का मालूम है दोस्तों। तो इसको क्या कहते हैं, लाइव फूड? बिल्कुल बिल्कुल, लाइव फूड। तो जो हमने ऑर्डर किए हैं वो सब अभी लाइव बनकर आने वाले हैं, और इनका जो किचन एरिया है वो थोड़ा आगे जाकर है, और अभी हम रेस्टोरेंट में दोस्तों अपनी तो कुछ घर की बातें भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे आ चुके हैं दोस्तों डिम सिम, फर्स्ट ऑर्डर डम्पलिंग, और बहुत ही, ये मोमोज नहीं होते, मोमोज से कुछ अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही, तो ये प्लेट सर्व की जा रही है हमारे को, डम्पलिंग सर्व किया कर रही है बेगम साहिबा। सारा खाना वेज है। ओ वाओ, क्या टेस्टी लुक है दोस्तों, जबरदस्त। और इसमें धुआं कैसे उड़ रहा है, होए होए, मजा आने वाला सच में। और सच में डम्पलिंग बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। ओ वाओ, मैं तो ये कई बार ट्राई करता हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है दोस्तों। तो जैसा मैंने सोचा था खाने के बारे में दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही स्वादिष्ट है दोस्तों, और इसकी जो फीलिंग है ना अंदर की, वो इसको और लाजवाब बना रही है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसकी फीलिंग की गई है, खाना आप बहुत टेस्ट करके देखिए। वाओ, और ये इतने ज्यादा गर्म है कि मुझे इसे कांटे से खाना पड़ रहा है, वैसे डम्पलिंग उठा के। तो बेगम साहिबा, वक्त तो लगा जी हाँ। लेकिन हम पहुंच गए अपनी मंजिल के करीब जी। और ये देखिए क्या स्टार्टर आया दोस्तों, क्या वाओ। और स्टार्टर में क्या क्या है, हरा भरा कबाब विद काजू, मशरूम, पनीर टिक्का, और मलाई सोया चाप, तो और साथ में नूडल्स। मैं नूडल्स डाल देती हूं। ओए ओए ओए, मुंह में पानी आ रहा सच में भाई, सच नूडल्स में। में ब्रोकली है और बहुत सारी सब्जियां हैं विद वेजिटेबल्स, और इसमें वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा डलवाई है मेरे को लगता है योगी बाबा ने। हाँ। और सच में नूडल्स तो कमाल की नजर आ रही है भाई। सबसे इनसे ज्यादा मुझे पता क्या अच्छा लग रहा है, ये जो यहाँ की प्लेट्स है ना, वाओ, ये चीनी मिट्टी टाइप में कुछ है ना, मैं ये लेके आऊँ। नहीं, जो यहाँ की क्रॉकरी है ना, वो बहुत अच्छी क्रॉकरी यूज की गई है दोस्तों, और वो आपको नजर भी आ रही होगी, यहाँ की जो प्रेजेंटेशन, जो खाना सर्व किया गया ना, वो सच में बहुत ही उम्दा और लाजवाब है। और दोस्तों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नोएडा के अंदर इस तरीके से बहुत ही जबरदस्त और अच्छे रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। जो देखे हैं, क्योंकि आप नहीं जाते हो, हम, मैं, गुड़िया और शीरो जाते हैं। और खाना खाने के बाद जो उन्होंने हमें दिया सर्वे करने के लिए, तो बेगम साहिबा सब कुछ एक्सलेंट, वाओ जबरदस्त। तो मैं तो दे रही हूं अपना ओपिनियन लेना चाहिए भाई कस्टमर का, और ये अच्छे रेस्टोरेंट की क्वालिटी होती है। और जो हमारी नूडल्स हमने पैक कराई है, ये वो भी आ गई है, वाओ, और घर पे भी लेके जानी है। तो फिर चले और एंजॉय करेंगे दोस्तों, कुछ वीडियो बेगम साहिबा के कैप्चर करेंगे, वो भी दिल से, क्योंकि बेगम साहिबा है बर्थडे गर्ल जी। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए हमारी तरह, और करते रहिए हमेशा, वो भी दिल से। तो यही हमारी तमन्ना भी है, ख्वाहिश भी, आप भी एंजॉय कीजिए लाइफ को, एक ही जिंदगी मिली है, उसे आनंद से जिया जा सकता है ना। वाओ, सच में कुछ पल, कुछ समय ऐसा जो अपने फैमिली के साथ हमें बिताना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अमन ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया और इशारा किया, मम्मी आप इधर आओ, और मैं जा रही थी बाहर, लेकिन उसने कहा यहाँ। तो ये एवरी इंडियन मॉम एंड डैड के लिए शॉर्ट्स बन रही है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शबा खैर, शुभ रात्रि, गुड।